टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी। इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, कि आपका यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज हो रहा है विद एक्सेलरेशन भी। ठीक है, क्या होता अभी, व्हाट इज एक्सेलरेशन भी। देखिए एक बॉल ले लीजिएगा, बॉल को छोड़ दो ग्राउंड के ऊपर भी तो नीचे आएगी कुछ और स्पीड से, जब नीचे हिट करेगी तो वापस आएगी जंपिंग करके भी कुछ और स्पीड से। हर बार स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी। यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ पर स्पीड क्या हो, चेंज हो जाएगी किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। उसका पहला टॉपिक बनता है एक्सेलरेशन क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन बोलना आता है, आधी क्लास को एक्सेलरेशन बोलना नहीं आएगा अभी। एक्सेलरेशन बोल के दिखाओ, पक्का? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन भी लिख लीजिए, लिखिए द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड ए एक्सेलरेशन। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितने टाइम के अंदर भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और लिखिए डेफिनेशन में, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ डिस वेलोसिटी, सही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितना चेंज हुआ वेलोसिटीज में, कितने टाइम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब यही है रेट को जो हम यूज करते हैं, तो इसको हम ए से लिखते हैं भाई। तो एक बार लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम भी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज निकालते कैसे हैं, मान लेते हैं, देखिएगा लेट यू है मेरा, ये मान लेते हैं क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है अभी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी भी, और टी क्या है, टाइम मान लेते हैं, टी इज द टाइम। ओके, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, हम हमेशा चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके भी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना हुआ, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इसको ए ले लीजिए, स्मॉल ए कैपिटल ए मर्जी आपके भी, मैं ले रहा हूँ इसको। ए का वैल्यू कितना भाई, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकता हूँ भाई बाई टाइम। वी माइनस यू क्या है, चेंज, चेंज कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल करके भी। यस सर नो, वी माइनस यू बाई टाइम। एनी प्रॉब्लम क्लास, कर पाओगे? यूनिट क्या होंगी एक्सेलरेशन की भी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया गया, आंसर इज वेलोसिटी भी। यस सर नो, वेलोसिटी में से वेलोसिटी कटाओगे आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है सेकंड भी, सही है। तो लिख सकते हैं इसको आंसर को, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, या फिर ऐसे ले सकता हूँ मीटर सेकंड माइनस टू, ऊपर ले आया पावर इंटर में स्क्वायर माइनस भी। यस सर ना, ये था भी आपका यूनिट भी ऑफ एक्सेलरेशन। वेक्टर है कि स्केलर है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर, ये भी वेक्टर बनना चाहिए। तो लिख लीजिएगा इट इज ए वेक्टर भी, इट इज ए वेक्टर, डायरेक्शन आएंगे भी साथ में। एनी प्रॉब्लम क्लास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वर्ड बार बार आ चुका है अभी, क्या लिख बताओगे बताओ,
व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है? तो लिख लीजिएगा, इट इज द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। सेम तरीके करने के, यस सर नो? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम कैसे होगा? देखो, यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, ये पोजीशन आई हुई है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है भाई, यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड। इस इंटरवल में कितना वेलोसिटी है चेंज हुआ? वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? वेलोसिटी में इंटरवल में 2 का चेंज हुआ, कितने टाइम में भाई? 1 सेकेंड के अंदर। इसमें चेंज कितना हुआ? इस कितने सेकेंड में? यहाँ पे कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में भाई। यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन होगा? 2/1 कितना होगा? 2/1 कितना होगा? 2/1। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जहाँ पे एक वैल्यू हर जगह पे क्या हो? बराबर हो भाई। यस सर ना? डायग्राम बनाइएगा। यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या फर्क है भाई? उसमें हर जगह पे वेलोसिटी सेम थी भी, यस और नो? यहाँ पे बदल रही है वेलोसिटी भी। ये मत याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन ही यही है, नहीं है भाई, ये अलग है भाई। इसमें चेंज हो रहा वो बराबर है, अभी वेलोसिटी बराबर नहीं है। यहाँ तो वेलोसिटी कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 4, अलग हो गई भाई। लेकिन जो चेंज हुआ वो क्या है? वो बराबर है, यस और नो? और वहाँ पे क्या था? हर जगह पे वेलोसिटी क्या थी? बराबर थी भी। जो चेंज हुआ था किसमें? डिस्टेंस के अंदर, वो क्या था? वो सेम था। सही है कि नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में फ़र्क है भाई। क्लास, एनी प्रॉब्लम क्लास? इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पक्का इन दो में से कोई एक क्या होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए भी, यस सर ना? देख लीजिए, लिखो when there is unequal change in velocity in equal interval of time। अगर वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज हो रहा है अभी, इन दो में से किसी एक को क्या कर दो आप लोग? अनइक्वल कर देते हैं, किसी एक को भी कर, मर्जी आपकी भी। तो मैंने किसको कर दिया यहाँ पे? वेलोसिटी को कर दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगी? 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 मान लें, यहाँ पे 10 मान लें, ये सर ना? टाइम 1 सेकेंड भाई, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड। कितना चेंज हुआ भाई वेलोसिटी में? 2 का चेंज हुआ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नहीं है भाई। कर लोगे तो इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म। यहाँ पे हर जगह पे एक वैल्यू अलग मिलेगा आपको, अभी देखना, हर जगह एक वैल्यू क्या है? अलग वैल्यू है, यस और नो? तो मैंने क्या लिखवा था? देयर इज ए अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपकी च्वाइस है, दोनों को क्या कर दो? अनइक्वल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, बराबर नहीं होना चाहिए आपस में। कर लोगे? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे? लिखिए, total interval of time, total
इंटरवल ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको मैंने लिखा गया ऐसे लिखा मैंने, इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। आपको ये चेक करने, बस टोटल चेंज कितना हुआ और टोटल टाइम कितना था, अभी कर पाओगे? बस इतना ही है, हो जाएगा अभी। एक और पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट था? इंस्टेंटेनियस भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैंने बोला था गिवर्ड जब भी आए किसके लिए आएगा, स्मॉल चेंज के लिए आएगा अभी। तो स्मॉल चेंज के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव्स भी। तो आपको क्या क्या करना होगा? डेरिवेटिव करना होगा किसका भाई? किसका? वेलोसिटी का। यस सर, चेंज तो वही हो रही है, कर पाओगे? तो लिख लीजिए, इट इज़ द स्मॉल चेंज, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल चेंज हो जाए वेलोसिटी में, किस टाइम में भाई? स्मॉल टाइम में, तो क्या होगा? वो इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज होगा इसके लिए। तो इसकी आंसर कितना आएगा, वेलोसिटी का, सॉरी एक्सेलरेशन का कितना आंसर होगा भाई? ए इज इक्वल टू, याद है कैसे लिखा था हम लोगों ने, लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू जीरो, क्या लिखूँ यहाँ पे, डेल वी, चेंज तो भी हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग भाई? टाइम के अकॉर्डिंग। क्या तरीका लिखने का? डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। मतलब क्या है, अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बिकेम एक्सेलरेशन भी, वो क्या बन जाएगा, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा भी। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या थी, याद है? अगर आप डेरिवेटिव कर देते हो डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बिकेम वेलोसिटी भी। उल्टा इसमें, इससे आगे बोल रहा हूँ मैं, अब आपको डेरिवेटिव किसका करना है, वेलोसिटी का करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट बिकेम एक्सेलरेशन भी। यस और नो, कर पाओगे? नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, क्वेश्चन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, पहला पॉइंट है। एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। कैसे भाई? ए का वैल्यू क्या था, कुछ याद है? वी माइनस यू बाई टी लिखा था मैंने इसको, वी माइनस यू बाई टी। ए पॉजिटिव कब हो सकता है? पॉजिटिव मतलब क्या होगा यहाँ पे, मोर देन जीरो, यस आर नो? तो यानी वी माइनस यू बड़ा होगा जीरो से भी, यही बात है। इधर टाइम तो पॉजिटिव होता है हमेशा भाई, यस आर नो? ये चीज़ पॉजिटिव कब हो सकती है, या दोनों ही नेगेटिव, कट जाएगा प्लस बन जाएगा, या दोनों ही पॉजिटिव भाई? अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, यस आर नो? तो ये तो पॉजिटिव है ही टाइम, तो बस क्या ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी बोल सकता हूँ कि v बड़ा होना चाहिए u से भी, v बड़ा होना चाहिए u से। मतलब क्या इस बात का, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी बड़ी है इनिशियल से, तो आपका एक की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है भी। यस सर नो, कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? लिख दिया पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन किससे है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बड़ी है किससे, इनिशियल से भी। बताऊंगा एग्जांपल हैं इसके कुछ, हो गया इतना। सेकंड पॉइंट भी, एक्सेलरेशन मे बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव। कैसे पॉसिबल है, जब v माइनस यू छोटा होगा जीरो से भी, यस और नो?
तो आंसर किसके आएंगे? नेगेटिव के आएंगे। मतलब क्या है भाई, वी छोटा हो यू से भी, वी छोटा किसे हो? यू से। सही लिखा मैंने? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए किससे? इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। भी फाइनल कम हो जाए किससे? इनिशियल से, इट बिकेम नेगेटिव भी। इसके एक वर्ड बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन भी बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। थर्ड पॉइंट डालिएगा भी, लिखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी जीरो, जीरो भी हो सकता है भाई। जीरो कब होगा क्लास? जब v माइनस यू जीरो हो जाएगा भाई, टाइम तो जीरो होगा नहीं। यानी v बराबर है किसके? u के भी। v बराबर u कब हुआ था भाई? यूनिफॉर्म मोशन में हुआ था। वेलोसिटी हर जगह पे क्या थी? बराबर थी। यानी अगर आप निकालना चाहते यूनिफॉर्म मोशंस में, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा भाई। कर लोगे तो लिख लीजिए, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन होती हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। ओके, इसके अंदर u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है यहाँ पे? इट इज एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन। टी क्या है? टी इज द टाइम। एंड व्हाट इज एस? एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको तीनों इक्वेशन को प्रूव करना है। प्रूव करने के तीन मेथड हमारे पास, हम बेक यूज करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ्स, बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ कौन सा है? इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे टाइम है, ये पॉइंट ओ है। मान लेते हैं ग्राफ का शेप ये है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, जब स्ट्रेट लाइन हो, बट इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। तो ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट जो बनता है इट इज बी। ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इट इज वेलोसिटी वी फाइनल। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सिंपल है भाई, पहला इक्वेशन हमको प्रूव करना है वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये हमको प्रूव करना है। हम ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या चेंज इन टाइम ले सकते हो। चेंज वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल टाइम टी माइनस जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल फॉर्म में, वी माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया? ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन प्रूव करते हैं। सेकेंड था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आई हुई है। अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े तो सिंपल है, उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में एस ले लेता हूँ, ये क्या आएगा? एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, ए बी के नीचे का एरिया। अब एरिया निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरी शेप यूज कर सकते हो जो कि क्या है? ट्रेपेजियम है ये शेप, या फिर क्या करो, इस शेप के
दो हिस्से कर लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट एस को, इट इज एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। सिंपल है भाई, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, कितना है बी सी इनटू ए सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इट इज ए ओ इनटू ओ डी। अब डायग्राम से देखिएगा, ग्राफ से देखते हैं हम लोग 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम द ग्राफ, बी सी का वैल्यू कितना है, इट इज दिस वैल्यू, ये किसके बराबर है v माइनस यू के, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू v है, यहां से यहां तक का वैल्यू u है, ये निकालना है, तो बड़े में से क्या करते हैं छोटा माइनस करेंगे, बी सी का वैल्यू है v माइनस यू, और ए सी का वैल्यू कितना है ए सी इज इक्वल टू ए डी, और ए डी कितना है यहां से यहां तक का t है, टाइम कितना है इसका t, तो ये टाइम t हो गया, प्लस व्हाट इज ए ओ, ए ओ है u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओडी, ओडी है टी, कर लोगे। अब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो वी माइनस यू का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे ए टी, तो 1/2 v माइनस यू की जगह पे at और बार t भी है मल्टीप्लाई में इंटू यू टी, तो इक्वेशन क्या बनी मेरी s इज इक्वल टू, ये बना यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ए टी स्क्वेयर। देखिए थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं, थर्ड क्या था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या करोगे एरिया ऑफ, पूरा शेप ले लेते हैं अब की बार, पहले मैंने हाफ हाफ करके किया था इसको, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ, ये क्या बना है शेप, ये इट इज ट्रेपेजियम भी, ए बी डी ओ कंप्लीट शेप भी ए बी डी ओ, तो ये शेप होता है किसी भी ट्रेपेजियम का भी, ठीक है। इसमें क्या होता है एरिया कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है, ये हाइट एच है भी, इस शेप को अगर मैं खड़ा करूंगा तो ये शेप बन जाएगा, यानी इसका हाइट और इसका बेस सेम है भी यहाँ पे, तो कैसे लिखोगे एस इज इक्वल टू, इसमें पैरेलल साइड कौन सा शेप के अंदर, इसमें पैरेलल साइड है इट इज बी डी प्लस ए ओ 1/2 इंटू हाइट जो बना हुआ है इट इज ओ डी, हाइट क्या बना हुआ है ओ डी, एस इज इक्वल टू 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम द ग्राफ, बी डी इज इक्वल टू वी, वी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ इट इज यू, ऑफ ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू टी, क्या बना है एस इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू इंटू टी। फिर से हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या था वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहां पे पुट कर देते हैं टी निकालिए यहां से, टी इज इक्वल टू कितना आएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, जिसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं टी का वैल्यू भी, एस इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू, और टी का वैल्यू कितना है वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, तो इसको सोल्व करें तो ये फार्मूला बनता है भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनता है फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो कैसे लिखोगे 1/2 वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर,
बाई टी तो कितना होगा, देखिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को छोड़ा बाकी इस तरफ ले जाते हैं, टू ए एस सॉरी टू सॉरी ये ए आएगा नीचे भी, इट इज ए, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, क्योंकि टी का वैल्यू कितना है वी माइनस यू बाई ए, तो कितना आएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई इंटू टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेव।